बट एनीवेज, शादी मुबारक हो तुम्हें, बहुत मुबारक हो। गॉड, आधा दिन तो देव का पीछा करते हुए निकल गया। होप अब कुछ पता चल पाए पायल के बारे में। देव किसी भी तरह मुझे और पायल को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है और मैं बदले में सिर्फ उसे दर्द दे रही हूं। दर्द अब उसके सामने मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी होने लगी है बाबा। मैं क्या करूं? कैसी हो पायल? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो देव? अच्छा, ये देखो मैंने बनाया। फाइनली देव, तुमने मुझे पायल तक पहुंचा ही दिया। So nice to see you, Paya. बड़े दिनों बाद मिली। किसने सोचा था एक दिन देव मेरे इतने काम आएगा, एक दिन मुझे पायल की इतनी जरूरत पड़ेगी और दुर्गा मुझसे ऐसे मात खाएगी। Now you wait and see, दुर्गा, तुम्हारी सारी चालों का एक ही जवाब दूंगी मैं, पायल के थ्रू। आज तो इस कैफे में जैसे हरियाली छाई हुई हो। सो मैनी ब्यूटिफुल गर्ल्स। इस लड़की को देख, कैसे लंगूर के साथ आई। यू नो व्हाट, अगर आज दुर्गा नहीं आती ना तो इस लड़की को तो मैं जरूर पटाता। अबे अब तो सुधर जा यार, तू तेरी शादी होने वाली है। क्या मेरी शादी? तू पागल हो गया। दुर्गा मेरी जिद है और इसलिए मैंने उसके साथ एंगेजमेंट की। अच्छा सुन, तू 10 मिनट में मुझे फोन करेगा और मैं अपना फोन स्पीकर फोन पे रखूंगा और तू मुझे कहेगा कि मुझे किसी अर्जेंट काम से मुंबई जाना होगा। समझ गया? हाँ सब समझ रहा हूँ। मैं तुझसे कहूंगा कि तू मुंबई चल और तू दुर्गा से कहेगा कि दुर्गा आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। तो व्हाट यू डू वन थिंग, तू मेरे साथ मुंबई चल। राइट राइट, बड़ा स्मार्ट हो गया तू। यार पर मुझे एक बात बता, तू उसे इनवाइट तो कर लेगा पर वो तेरे साथ आने के लिए मानेगी क्यों? मना भी तो कर सकती है तुझे। तेरी यही प्रॉब्लम है, तू तो 2 मिनट से ज्यादा स्मार्ट बनने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता है। दुर्गा मुझसे बहुत प्यार करती है, शी इज मैडली इन लव विद मी। पता है कितनी एक्साइटेड है शादी की डेट को लेकर। मौका है तो फायदा तो उठाना चाहिए ना।
समझा? दुर्गा आ गई, दुर्गा आ गई, बाय। हाय दुर्गा। हाय शौर्य। So, how are you, my HWB? You mean to say honeymoon wali baby, right? Durga, honeymoon? HWB का मतलब होता है होने वाली बीवी। You are so funny, Shaur. तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते, पता है ना तुम्हें? बेटा एक मिनट। जी माशी। जग्गा को था थाके? माशी ईदी के। थैंक यू। ये सब छोड़ो, तुमने अपने बाबा को बताया ना कि आज तुम पूरा दिन मेरे साथ रहने वाली हो। पहले लंच, फिर लॉन्ग ड्राइव, फिर मूवी, सारी चीजें जो तुम्हें पसंद है। गॉड, इतनी सारी चीजें एक ही दिन में? हाँ हाँ। ऑफिस से मैंने इनको कितनी बार कहा कि आज मैं अपनी होने वाली बीबी के साथ डेट पर जा रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब ना करें, फिर भी। इट्स ओके शौर्य, प्लीज आंसर। हेलो। हेलो सर। सर, आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट मुंबई में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है आपकी, तो सर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। सर क्या मुंबई में? मैंने आपको कहा था ना कि मैं शादी तक शहर के बाहर नहीं जाऊंगा, कैंसिल कर दो वो मीटिंग। सर आई एम रियली सॉरी सर, बट ये बहुत अर्जेंट है सर, वो क्रूशियल लैंड डील जिस पर हम 3 महीने से काम कर रहे हैं लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा सर उसके बारे में। तो सर मे आई प्लीज कन्फर्म योर टिकट्स? ठीक है, कन्फर्म करो। अशुन, बड़े दिनों बाद याद किया। जो इंसान मेरा काम अच्छी तरह से कर ले उसे मैं नहीं भूलती जग्गा। मधुसूदन बागची का काम तुमने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था, अब एक और काम लेके आई हूँ। पैसे जो तुम कहो, काम जो मैं कहूँ। समझो काम हो गया मैडम, करना क्या है? इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। कल दोपहर 2 बजे तक तुम वहां पहुंच जाओगे और सारी तैयारियां रेडी रखोगे। ये लो तुम्हारी टर्न। तुम पिछले जीत गई। हाँ, मैं तो हमेशा ही जीतती हूँ और आप हमेशा ही हारते हो मुझसे। Thank God, wrong treatment का तुम्हारे ऊपर lasting effect नहीं हुआ पायल। I'm so relieved. तुम ठीक कह रही, तुम हमेशा से जीतती आई। And you know what? मैं चाहता हूँ कि मेरी पायल हमेशा जीते। Yes, एक और। ये लो। चलो चलो, कौन है गुड गर्ल? दवाई पीने का टाइम हुआ है और मिल्कशेक पीने का भी। नहीं, अभी तो मुझे और खेलना है और जीतना भी तो है। पायल पायल, अभी तुम नर्स के साथ जाकर अपनी दवाई लो एंड हैव योर मिल्कशेक एंड प्लीज थोड़ा सा रेस्ट करो। एंड आई प्रॉमिस मैं वापस आकर तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। एंड एक गेम नहीं, हम बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, ढेर सारी। ढेर सारी? या ओके। एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग लाइक दिस माय सनशाइन। नाउ गो नर्स प्लीज।
पायल को ऐसे खुश और ठीक होते हुए देख कितना सुकून मिलता है। थैंक गॉड। शौर्य के बारे में अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही मैंने ये स्टेप लिया है। कोर्ट ने भी शौर्य को बेगुनाह साबित कर दिया है थे, एंड आई एम कन्विंस्ड कि शौर्य इनोसेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है थे कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? एक इंसान के नाते मुझे तुम्हारी फिक्र है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे नित्या के लिए हमेशा से होती थी। कंसर्न है तुम्हारे लिए, और अगर मेरी इस फीलिंग को ये समझना चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं तो तुम्हारी मर्जी। दुर्गा के सवाल का जवाब तो मैंने उसे दे दिया, लेकिन शायद सिर्फ बात टालने के लिए। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने अंदर के अपने दिमाग के सवालों को फेस करूं और उसके जवाब ढूंढूं। क्या मैं वाकई में दुर्गा और शौर्य की शादी से इसलिए नाखुश हूं क्योंकि मुझे लगता है कि दुर्गा शौर्य से प्यार नहीं करती, या फिर बात कुछ और है? मुझे उनके रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्यों मैं शौर्य और दुर्गा को साथ देख के खुश नहीं हो पाता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पायल की तरह मुझे भी अब दुर्गा में नित्या दिखाई देती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सच में बहुत परेशान हूँ आकाश। तुम साक्षी गोयनका के साथ रहते हुए तुम उनके अगले प्लान के बारे में पता नहीं कर पाए? Then what's the point of you being there? मैं ये भी समझती हूँ आकाश कि साक्षी गोयनका तुम्हारे साथ बैठकर अपना नेक्स्ट मूव डिस्कस नहीं करने वाली, लेकिन तुम्हें कोई भी लीड नहीं मिला। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई डोंट बिलीव दिस आकाश। कहीं ये बात तो नहीं है आकाश कि तुम अब भी मेरी शादी के फैसले को लेकर मुझ पर शक कर रहे हो, इसलिए तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते? स्टॉप इट दुर्गा, ये क्या तरीका है बात करने का बेटा? बैठ के बात करते हैं, बैठो आकाश। तुम कुछ भी कहते चली जाती हो। बाबा, I'm sorry. I'm really sorry. Sorry उसको बोलो बेटा। I'm sorry आकाश। I'm really sorry. मैं जानना चाहती हूँ कि साक्षी गोयनका का अगला प्लान क्या है, और उसके लिए I'm depending upon you. मैं जानता हूँ दुर्गा, लेकिन इस बार मिसेस गोयनका बहुत सीक्रेटली काम कर रही है। किसी से उसने कुछ डिस्कस नहीं किया, जो कुछ भी प्लान कर रही है बिल्कुल अकेले कर रही है। साक्षी गोयनका बिना वजह अपनी लाइफ में कुछ प्लान नहीं करती आकाश। उनके हाथ ऐसा क्या लगा है जो वो अपना प्लान सबसे छिपाकर एग्जीक्यूट करना चाहती है? और सरप्राइजेस देना तो साक्षी गोयनका की पुरानी आदत है, पर उनका हर सरप्राइज हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है। दुर्गा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने हमेशा साक्षी के हर वार का इक्वली स्ट्रांग जवाब दिया है। क्योंकि किसी भी लड़ाई में अपने दुश्मन को अपने आप से कमजोर समझना हमारी हार साबित हो सकती है आकाश। ये कांस्टेंट टेंशन ही मुझे उनके अगले बार के लिए तैयार करता है, उसे फेस करने की ताकत देता है और जीत की राह भी बताता है। लेकिन हमें एक बार फिर सोचना होगा, कहीं हमने कोई लूज एंड्स तो नहीं छोड़ रखे जिसका इस्तेमाल साक्षी गोयनका हमारे खिलाफ कर सके। दुर्गा, तुम ये फिगर आउट करो, तब तक मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि साक्षी गोयनका का प्लान क्या है, और जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है कॉल यू। मुझे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। ओके आकाश। ओके आकाश, दुर्गा की गुस्से को नजरअंदाज कर दो। बाय। चल। क्या आपको सच में लग रहा है बाबा कि आकाश को साक्षी गोयनका के प्लान के बारे में
कुछ भी नहीं पता था। देख बेटा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यकीन है या यकीन नहीं है। हाँ और ना के बीच का जो रास्ता शक का होता है वो किसी को कहीं पर भी नहीं ले जाता। माय एडवाइस इज कि तू कुछ दिनों के बाद उसके साथ बैठ और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर ले और फिर उसके बाद तो डिसीजन ले। लेकिन तब तक लेट्स होप कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आकाश सच कह रहा है बाबा, तो साक्षी गोयनका की चुप्पी आने वाले तूफान का अंदेशा है हमारे लिए। साक्षी गोयनका। हेलो आकाश, तुम दुर्गा के घर के बाहर क्या कर रहे हो?